भारी बारिश से जो हमारी सड़क संपर्क है, हमारी पेयजल योजनाएं हैं, सिंचाई की योजनाएं हैं, सीवरेज है, लोगों के पक्के मकान जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, या जो आधे मतलब जो पार्शियल डैमेज है, और सभी जो लॉसेस को लगाए तो आज क्रॉप लॉस है, बगीचों का या खेत जो बह गए हैं, तो करीब 6,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। और जहाँ तक लोगों की जो ह्यूमन लॉस है वो भी 168 के करीब पहुंच गई है, और जो लोग इंजर्ड हैं वो 195 के करीब है। इसी तरह से करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है मिसिंग है, और जो घर हमारे बिल्कुल जो क्षतिग्रस्त हुए हैं पूरी तरह से वो 652 के करीब है, और कोई करीब करीब जो है 6,500 से ज़्यादा पार्शल डैमेज हाउसेज हैं। तो ये जो है अभी बरसात जो है जारी है, और ज़्यादा नुकसान होने का अभी अंदेशा है। सर, अभी मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट रखा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, तो किस तरह के दिशा निर्देश तो दे दिए? हमारे जो है क्योंकि ये बादलों का फटना और जो आपके फ्लैश फ्लड्स हैं ये पिछले कई दिनों से है, तो इसलिए सारे जो है डिपार्टमेंट्स अलर्ट हैं, और पूरी कोशिश की जाएगी जो भी आपदा अभी आना होगा उसको जो है हम लोग पूरे कोशिश के साथ लोगों को उसमें राहत देने का पूरा प्रयास करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।